ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में लगातार प्रोग्रेस चल रही है, चाहे बात फिर किसी एनर्जी फॉर्म की क्यों ना हो। कई लोग इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना भी शुरू कर चुके हैं और अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ने जा रहा है। कौन सी एनर्जी सेक्टर में होगी बड़ी इन्वेस्टमेंट और कौन सा स्टेट चढ़ेगा प्रोग्रेस की सीढ़ी, चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। लेकिन उससे पहले बेल आइकन दबाकर पावर टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हमारे पास बहुत सारी ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज मौजूद है, जैसे हाइड्रो पावर, सोलर पावर, विंड एनर्जी, बायो गैस एनर्जी एक्सेट्रा। और इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए इंडिया के richest पर्सन मुकेश अंबानी ने भी अपने कदम इस सेक्टर में रख दिए हैं। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अनाउंसमेंट की है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 10 गीगावाट रिन्यूएबल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को आंध्र प्रदेश में सेटअप करेगी। इस बात का खुलासा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुआ है, जिसे विशाखापट्टनम में कंडक्ट किया था। इस समिट में अंबानी ने ये भी कहा कि इस इन्वेस्टमेंट से रिलायंस 50,000 न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, जिससे स्टेट में रिटेल बिजनेस भी बढ़ेगा। आपको बता दें कि रिलायंस रिटेल ने आंध्र प्रदेश के 6,000 गांवों और 1,20,000 किराना मर्चेंट्स के साथ पार्टनरशिप की है और उन्हें कुछ टूल्स भी दिए हैं। अंबानी ने ये भी कहा, ग्रुप रिटेल फर्म से मोर देन 20,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट हुई हैं और रिलायंस रिटेल स्टेट में एग्री और एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर गुड खरीदेगा। यानी टेक्नोलॉजी के साथ साथ देश का विकास भी होगा, जिसका बेनिफिट हर किसान को मिलने वाला है। तो आपकी इस इन्वेस्टमेंट पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही देखते रहिए पावर टॉक्स।